बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बिजनौर परिवहन विभाग के खिलाफ उस वक्त जमकर हंगामा किया जब आरओ एआर की कंबाइन परीक्षा देने बिजनौर से मेरठ जा रहे छात्र छात्राओं को डिपो पर कोई भी बस नहीं मिली। परिवहन विभाग से कई बार परीक्षा का हवाले देते हुए बस लगाए जाने की बात कहने पर भी रोड अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा मेरठ में थी, रोडवेज में बस उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए जो है आप बैठ रहे हैं आगे, इसमें कार्रवाई की जा रही है। जैसे ज्ञापन ले लिया, डीएम साहब को अवगत कराया जाएगा, परीक्षा अधिकारी को कॉपी भेजी है। क्या हंगामा क्यों हंगामा कर रखा है सर? हमारा एग्जाम नहीं दिया जा रहा है, हमें कोई भी सुविधा सरकार गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई है, ना ही हमें ये बताया गया है कि रोड पर जाम मिलेगा, आप लोगों को एग्जाम कैसे देना है कैसे नहीं देना है। प्रशासन बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, किसी की कोई सहायता नहीं की जा रही है। बिजनौर डिपो में गए हम, वहाँ से हम लोगों ने कहा कि सर हमें जल्दी पहुँचा दीजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला नीचे बात कीजिए ऊपर बात कीजिए, लेकिन कोई कहीं से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस मिलती है उसने आके बिजनौर बोलते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे। अब बताइए सर, हम जब घर से बिजनौर आ चुके हैं कैसे जाएं? यहाँ आके किसी भी प्रशासन किसी से भी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साफ क्लियर मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। सर आरओ का पेपर है, मेरठ है सर, 9:30 बजे से पेपर है, और हम मतलब जो है सर इतना लेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। सर हमारा पेपर रद्द कराइए, हमें रद्द कराना है, एग्जाम दोबारा देना है। सर हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अगर हमें एग्जाम ही नहीं दिया देने जाएगा तो हम कैसे कैसे हमारा फ्यूचर सेटल होगा? सर हम सुबह 5 बजे यहाँ पे आ चुके थे, 5 बजे आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जाम है। जाम आने के बाद हमने यहाँ रोडवेज कर्मचारियों के पास गए, हमने उनसे बोला कि हमें दूसरी रोड के लिए अवेलेबिलिटी कर दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे जाम था, ये प्रशासन को पहले से पता था कि यहाँ पे जाम है। और हम सरकार से ये विनती कहते हैं, विभाग से ये कहते हैं कि हमारा पेपर कैंसिल हो जाए और बिजनौर जिले के जितने बच्चे हैं उनको दोबारा से पेपर करने का एक बार चांस मिला जाए। कई घंटे बीत जाने के बाद जब मेरठ की बस आई तो परीक्षार्थी बैठकर चल तो दिए, लेकिन बैराज रोड पर पुल निर्माण के कारण लंबे जाम में फंस गए। गौरतलब है कि परिवहन विभाग की लापरवाही व सड़क खराब होने के चलते छात्र छात्राओं की परीक्षा छूट गई, जिससे गुस्साए छात्र छात्राओं ने बिजनौर रोड पर जमकर हंगामा करते हुए परीक्षा दोबारा करने व परिवहन विभाग की इस लापरवाही पर परिवहन विभाग अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर उनका शिकायती पत्र लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता बिजनौर से फहीम बेग की रिपोर्ट।